तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास एक तो CRT TV का किट पड़ा हुआ है। इस ये वाला किट पूरी तरह से ओके है। आप देख सकते हैं इसमें सेंसर का LED और ये कीज वाला लगे हुए हैं। और इसको आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो 3 वायर है इसको किस तरह से लगाना है मॉडल को, है ना। और बहुत से जो मैकेनिक होते हैं वो बस 2 हीट हो वायर को कनेक्शन करके छोड़ देते हैं, चलने के लिए चलता है पर बाद में दिक्कत आता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को जो 3 वायर दिया हुआ है इसमें, तो 3 वायर का कनेक्शन करना है और अच्छी तरह से करना है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये किट चालू है या नहीं। तो ये रहा इसका मेन वायर, देख सकते हैं, और इसको डालते हैं सीरीज में। जैसे मैं सीरीज में डाल दिया दोस्तों, LED देखिए जो जलने लगा, और इसका ये EST वाला देख सकते हैं आवाज़ आ रहा है। और इसको प्लस में टच करते हैं, देख सकते हैं चराहट चरचराहट की आवाज़ आ रही है, यानी कि EST इसमें बन रहा है ना। और इसको दोस्तों हम लोग अब निकाल देते हैं, और ये किट पूरी तरह से ओके है। और किसी भी तरह से यदि फॉल्ट आ गया दोस्तों इसमें, तो आप लोगों को क्या करना है, ये वाला मॉडल को लगाना है। सबसे पहले तो आप इसको पूरा प्रयास कीजिए कि अच्छी तरह से बनाने का, ताकि बन जाए। रेजिस्टेंस वगैरह का फॉल्ट आता है, और ट्रांजिस्टर वगैरह डायोड जो यहाँ पे लगे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो लगे हुए हैं इसके, इसी तरह से इसी ओर फॉल्ट आता है। यदि नहीं बनता है तो उसके बाद आप इस मॉडल का उपयोग करें। यह मॉडल है दोस्तों 29C3, यानी कि 29 और 3 वायर का, ठीक है। इसमें आप लोगों का को 5 वायर का भी मिलता है, तो उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और कुछ आप लोगों को इस वीडियो में नया सीखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हमारे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे इस चैनल में इलेक्ट्रॉनिक संबंधित जानकारियाँ हमेशा अपलोड की जाती हैं। तो इसको लगाने से पहले दोस्तों हम लोग ये वाला जो ट्रांजिस्टर है पावर सप्लाई का, इसको निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो वीडियो को स्टॉप करते हैं निकालने तक, इसके बाद फिर इसको कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों इस किट में जो ट्रांजिस्टर लगा था उसको मैं निकाल दिया हूँ, आप देख सकते हैं ये वाला था, ठीक है ना, जो कि J5804 नंबर का है, 5804 इसका जो नंबर है वही है, और वो यहाँ पे लगा था, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। इसको निकाल दिया हूँ, और इसको इधर से भी आप लोगों को दिखा दूँ, देख सकते हैं खाली है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लगा था और इसको निकाल दिया हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ध्यान देने वाली बात एक है कि जो हम लोग को इसके जो तीसरे वायर यानी कि हरा वाला को जो जोड़ना रहेगा, कनेक्ट करना रहेगा, तो यहाँ से अपने को ये ऑटो कपलर देख रहे हैं, इसको ऑटो कपलर बोला जाता है, इसके यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ, ठीक है, ये ऊपर वाले, जबकि नीचे वाला माइनस से जुड़ा हुआ है, है ना। तो इस बात को विशेष ध्यान देना है दोस्तों आप लोगों को कि इसके माइनस प्लस की ओर डालना है। यहाँ 8 वोल्ट सप्लाई निकलता है लगभग, यहाँ देखिए ऑटो कपलर का 4 जो वायर है उन लोगों को मैं दिखा दूँ, कनेक्शन पिन 1 2 1 2 3 4, ये चारों ऑटो कपलर का पिन है। और ये वाला देख सकते हैं यहाँ पे वाटर कप्टर लगा हुआ है, ये वाला यही है, ठीक है। इसके आप लोगों को माइनस से ऊपर की ओर डालना है, मान लीजिए आपका ये वाला माइनस है तो आपको कनेक्शन यहाँ डालना है इसके ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे, और एक माइनस, ये वाला माइनस और ये प्लस, प्लस में यहाँ से दोस्तों हम लोगों को 8 वोल्ट जो मिलता है वो वाला सप्लाई यहाँ से मिलता है, और 8 वोल्ट को इसको देते हैं और एक तो माइनस, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको कनेक्शन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि टीवी ऑन होता है कि नहीं।
तो इससे पहले कैमरा को सेट कर लेते हैं। विशेष बात दोस्तों, जब भी हम लोग वायरिंग करते हैं, बहुत से मैकेनिक लोगों को आपने देखा होगा या तो फिर आपने देखी होंगी कि बस ये दो ठोका वायर कर देते हैं, बाकी इसको छोड़ देते हैं, है ना। तो आप लोग ऐसे ना करें दोस्तों, जब तक आप पूरा कनेक्शन नहीं कीजिएगा आपका मॉड्यूल ठीक से काम नहीं करेगा और जल्दी ख़राब हो जाता है ना। तो इसको पूरा कनेक्शन कीजिए, तीन ठो दिया है तो तीनों को और पाँच ठो दिया है तो पाँचों को, ठीक है। सेम आपको पाँच वायर वाला जो रहता है उसको भी इसी तरह से कनेक्शन करना है दोस्तों। एक ग्रीन वाले को इसके पॉजिटिव सप्लाई जो यहाँ से आता है उसी में डालना है, और इसका ऑटो कपलर का माइनस है तो माइनस के ठीक अपोजिट की ओर, है ना, माइनस में नहीं डालना है। माइनस में डालिएगा तो फिर काम नहीं करेगा, सिर्फ इसमें डालिएगा प्लस वाले में, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको कनेक्शन करेंगे, और आप लोग भी इस टाइप से मत कीजिए कि किसको दो ठोक कनेक्शन कर दिए बाकी इसको काट देते हैं। बहुत मैकेनिक ऐसे करते हैं, ऐसे करने से जल्दी दिक्कत आता है, कुछ ना कुछ दिक्कत आता है और जल्दी मॉडल ख़राब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए दोस्तों, मॉडल अच्छी तरह से वर्क करे इसके लिए आप लोगों को तीनों का कनेक्शन करना है ना। और दोस्तों कभी कभी इस टाइप से होता है कि जो तीसरा वायर है, मान लीजिए आपका ग्रीन वायर, ग्रीन वायर का जैसे यहाँ पे कनेक्शन किए तो यहाँ कनेक्शन किए उसके बाद आपका काम करना बंद कर देता है, इसलिए इसको छुड़ा देते हैं, हटा देते हैं, कोई कोई काम नहीं करता है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है दोस्तों, है ना। यहाँ पे देखिए, अगर ये वाला मॉड्यूल आप लगा रहे हैं और यहाँ आप ऊपर की ओर डालने के बाद काम नहीं कर रहा है, तो बाकी इसके जो कनेक्शन है दोस्तों उसको अच्छी तरह से देखें, इसके आगे की ओर जो भी लगा है उसका सप्लाई काट दें, ठीक है, काट दें। और काटने के बाद फिर ये ठीक हो जाएगा। आपके बस ये, आपको बस ये दोनों पिन का ही यूज लेना है, पहला ए वाला को ग्राउंड भी आप डाल सकते हैं डायरेक्ट, और ये इसमें सप्लाई दे सकते हैं ऊपर वाले में, ठीक। और बाकी इधर को हटा दीजिए। और जो ये मॉड्यूल कवर का है दोस्तों, वो आपका यहाँ से लेके आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके पूरा इधर से लेके यहाँ तक पूरा काम आपका ये मॉड्यूल करता है, ठीक है ना। मॉड्यूल लग जाता है उसके बाद आप लोगों का यहाँ से लेके, है ना, ये मान लीजिए आपके मेन कैपेसिटर है, मेन कैपेसिटर के आगे की ओर पूरा काम यही करता है, बस इसको सप्लाई दे दीजिए। और कोई भी किट हो दोस्तों, मान लीजिए आप लोगों का ये तो तीन पिन हो गया ट्रांजिस्टर वाला, और एसटीआर वाला भी आपका रहेगा, तो भी आप लोगों को कनेक्शन इसी तरह से करना है, ये नहीं कि यहाँ सप्लाई डाल दिए। इसका ये ट्रांसफार्मर है दोस्तों, ट्रांसफार्मर से ऐसे ऐसे होते होते गया है, और यहाँ से जो आउटपुट निकला है सप्लाई, यहाँ उसी तरह ट्रांजिस्टर एसटीआर में भी निकलता है। तो जहाँ पे सप्लाई यहाँ पे निकलता है दोस्तों, एसटीआर का पिन वहीं पे आपको कनेक्ट करना है इसके पॉजिटिव को, ठीक है। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ, उसके बाद कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा सा, वीडियो को गौर से देखिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसमें कनेक्शन कर दिया है, और ये वाले को देख सकते हैं पॉजिटिव में, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं पॉजिटिव को पॉजिटिव में किया हूँ, और इसको माइनस में, और ये वाला ऑटो कपलर के ऊपर की ओर, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये देखिए। तो ये वाला माइनस को दोस्तों, जो माइनस वोल्ट है उसको आप मेन कैपेसिटर में भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, या तो इधर के किसी भी ग्राउंड में भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी डाल सकते हैं। पर यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ जो जम्पर गया है, तो ये और ये देखिए माइनस, ठीक है, और ये पॉजिटिव जो कि यहाँ से सप्लाई जो गया है, ये देख सकते हैं प्लस का यहाँ जम्पर मार के इसमें गया है, उसके बाद इधर से ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से वाइंडिंग के जरिए दोस्तों होते होते यहाँ आया, और यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। तो अपने को यहीं डालना है दोस्तों, ठीक, यदि हो यहाँ आप ना डाल के आपको यहाँ डाल दिए तो ये वर्क नहीं करेगा दोस्तों, ठीक, क्योंकि यहाँ जो सप्लाई जाता है दोस्तों, इससे जो वाइंडिंग होके जाता है, और जो यहाँ से वाइंडिंग होके जाता है तो उसी के हिसाब से यहाँ का सप्लाई इधर आता है, ठीक है, ऑटोमेटिक। और आप कभी कभी इस टाइप से ना सोचे कि ये वाला सप्लाई और ये वाला सप्लाई, यहाँ भी उतना ही सप्लाई आ रहा है, यहाँ भी उतना सप्लाई आ रहा है, तो यहाँ कनेक्शन कर दें, ऐसे कीजिएगा तो बाकी इधर का जो वाइंडिंग है वो वर्क करना बंद कर देगा और काम नहीं करेगा। तो आप लोगों को इसी तरह से कनेक्शन करना है। और दोस्तों, और पांच वायर वाले में बता दूं कि आप लोगों को किस तरह से करना है, जो पांच वायर रहता है, जैसे कि इसमें तीन है, तीनों का कनेक्शन करना है, दो ठो तो आपका सेम हो गया, इसको इसी जगह में डालना है, और ये माइनस को माइनस इसी जगह में डालना है,
और प्लस को प्लस की जगह में एसटीआर है, तो एसटीआर के कौन सा पिन में आ रहा है सप्लाई उसको देखना है और इसमें डालना है। और ये ब्लैक वाले को ग्राउंड में ही डालना है और हरा को देख सकते हैं ग्रीन जो है इसको ऑटो कपलर के प्लस की ओर और ये वाला माइनस है। ठीक है, आप कंटिन्यूटी के जरिए भी मिला सकते हैं या तो फिर देख सकते हैं ट्रिक से। ठीक, और इसका दूसरा वो चीज़ बता दूँ दोस्तों कि आप कैसे समझ पाइएगा कि कौन सा इसका किस में डालना है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात प्लस दिखा दूँ दोस्तों, तो ये वाला देख सकते हैं इधर संकेत दिया है दोस्तों, तो आप लोगों को संकेत के ठीक अपोजिट इधर डालना है गूढ़े के चिन्ह में, है ना। यहाँ पे संकेत दिया है, गौर से इसको देखिएगा तो यहाँ पे संकेत दिया है जो कि दिखाई दे रहा है हल्का सा बिंदी जी से, तो इसके ठीक अपोजिट यहाँ पे डालना है। जैसे कि ये देखिए, सॉरी दोस्तों एक बार देख लेते हैं, सॉरी यहाँ से जो है दोस्तों देख लीजिए इसको गौर से देखिए, यहाँ जो बिंदी दिया है इसकी बिंदी के ठीक इधर अपोजिट यहाँ से दिया है बिंदी, तो आप लोगों को यहाँ डालना है ठीक यहाँ से यहाँ यहाँ। ठीक है दोस्तों, ये जो बिंदी दिया है हर ऑटो कपलर में दिया रहता है, तो आपको इस बिंदी को देखना है और इसके इधर पीछे की ओर डालना है। ठीक, तो इसको पलट के आप लोगों को दिखाते हैं, तो ऐसे पलटेंगे तो ये बिंदी वाला हिस्सा इधर आ जाएगा दोस्तों, ये देख सकते हैं इधर वाला बिंदी हो गया और इसके ठीक पीछे ये वाला। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को डालना है, कलेक्शन करना है। ठीक, तो आप लोगों को उतना दिक्कत भी नहीं जाएगा और आप तुरंत पता कर पाएंगे किस में डालना है, वोल्टेज चेक करने का झंझट ही खत्म। ठीक, बिजली के ठीक पीछे डालना है। ठीक, इतना समझ गए। और इधर का जो पांच वायर रहता है दोस्तों, तो इसमें और क्या बचा, आपका पीला कलर का और ब्लू कलर का। ठीक है, इस पर जो दो ठो नहीं दिया गया है, ब्लू कलर का है दोस्तों, उसको आप लोगों को डालना है किस में, ये जो डायोड लगा है जो 110 वोल्ट सप्लाई का डायोड, इसके पीछे डाल दीजिए, यहाँ पे डालिए या तो इसी ट्रे में यहीं पे भी डाल दीजिए। ठीक है ना, ब्लू क्या बोलते हैं पीला वाले को, ठीक है पीला वाले को डालना है एकदम याद से, ना पीला वाले को यहाँ पर डालना है और जो ब्लू वाला है उसको ग्राउंड में, इधर के आपके इधर के ग्राउंड में नहीं, यहाँ से जो है देख सकते हैं इसके इधर वाले ग्राउंड में, यहाँ पे आप डाल सकते हैं किसी भी ट्रैक में, यहाँ पे भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी डाल सकते हैं, तो कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन इधर के ग्राउंड वाले में। ठीक है, ब्लू वाले को मतलब कि नीला वाले को यहाँ ग्राउंड में, और पीला वाले को आपको डायोड के पीछे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इतना कर लिए, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं इसको चालू करके दोस्तों। तो ESD को थोड़ा सा निकाल लेते हैं, ये देखिए ESD का कनेक्शन, ESD को बाहर निकाल दिया हूँ और इसे कनेक्शन को थोड़ा सही कर लेते हैं ताकि इधर उधर करंट बने तो टच ना हो। तो ये हो गया देख सकते हैं, और इसको डालते हैं अब लाइट में दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसको लाइट में डाल दिया है, आप देख सकते हैं LED जल रहा है और आपका ESD करंट भी बन रहा है, आपको शायद आवाज़ सुनाई दे रहा है, देखिए चचराहट की आवाज़ दे रही है, यानी कि ESD बन रही है। ठीक है, और इसमें कुछ और मुख्य बात दोस्तों आप लोगों को बता दें, जो यहाँ पे जो बताया था दोस्तों उसको बहुत ध्यान से देना है, देखना है कि आपको पीला वाले को यहाँ डालना है डायोड के ठीक पीछे और नीला वाले को ग्राउंड में, है ना। और यहाँ पे दोस्तों जो दिया है आप देख सकते हैं, ये जो इसके साथ दिया रहता है इसको ऐसे ही डालना है दोस्तों, क्योंकि इसका जो करंट है दोस्तों आप देख सकते हैं खुला एरिया है जहाँ से करंट आ जाता है, यहाँ पे जो खुला दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये वाला सप्लाई और यहाँ पर आ जाता है, और इसी के लिए ये वाला दिया रहता है दोस्तों, ताकि यहाँ वाला सप्लाई इसके वजह से आपकी हीटसिंग में ना आ जाए। ठीक है, इसलिए इसको दिया जाता है। और ये ऐसा चीज़ है दोस्तों कि इस कितना भी गर्मी हो गर्म ये जलता नहीं है, ठीक है ना। और इसमें जब भी आप मॉडल लगाते हो दोस्तों, तो सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं प्रीसेट है, ये प्रीसेट को पूरी तरह से कम कर लें, यदि बढ़ा हुआ रहेगा तो ज़्यादा वोल्टेज बनाएगा और आपके आउटपुट को उड़ा सकता है, शॉर्ट कर सकता है इसको, इसलिए इसका वोल्टेज जो है उसको प्रीसेट है, इसको
पेचकस के जरिए या तो टेस्टर के जरिए कम करके ही लगाएं। और लगाने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे वोल्टेज चेक करें, जैसे जैसे यदि वोल्टेज कम है तो फिर इसको बढ़ा के आप वोल्टेज भी बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं ये प्रीसेट को, इसको जैसे ही कम कीजिएगा वोल्टेज कम होगा और इसको जब भी ज़्यादा बढ़ाइएगा घुमाइएगा तो वोल्टेज बढ़ता जाएगा, तो आपको 110 में वोल्टेज बढ़ा के सेट करके छोड़ देना है। बाकी दोस्तों कि आप लोगों का स्क्रीन में देखना पड़ेगा, यदि स्क्रीन कट रहा है साइड साइड से तो आप साइड साइड से कट रहा है तो इसके वोल्टेज को आप बढ़ा के उसको बराबर कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो में कुछ हेल्प मिला होगा इस वीडियो से, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहेगा और उसी हिसाब से वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो को स्टॉप करते हैं, जय हिंद।